नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं। रोहतास जिले के विक्रमगंज नगर परिषद ने फुटपाती दुकानदारों को ऋण दिलाने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ विक्रमगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने बैठक की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत फुटपाती दुकानदार सहित शहरी गरीबों को मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत फुटपाती दुकानदार सहित शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए नगर परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी और नगर परिषद के कर्मियों ने भाग लिया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण फुटपाथ विक्रेताओं को रोजगार करने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 10,000 रुपया ऋण देने की योजना है। उस ऋण का सहसमय भुगतान किए जाने पर ब्याज में 7% सब्सिडी देना है। सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के सीधे खाते में चली जाएगी। उन्होंने बैंक के अधिकारियों से शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने को कहा। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें फुटपाथी दुकानदारों और गरीबों को रोजगार मुहैया कराना है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर जीविकोपार्जन कर सकें। बैठक में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने ऋण देने में शीघ्रता लाने का आश्वासन दिया। बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।